घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। ये हैं मुस्लिम धर्म गुरु अरशद मदनी और ये हैं पृथ्वी के प्रथम मानव राजा मनु और साथ में हैं उनकी पत्नी महारानी सतरूपा और ये है नैमिषारण्य का वो स्थान जहां राजा मनु ने 23,000 वर्ष तक तप किया। ये वो स्थान है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश ने राजा मनु और उनकी पत्नी सतरूपा को दर्शन दिया। परंतु अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूं। आगे देखिए। ये बात तो अनादिकाल से लोग जानते हैं कि सनातन वो धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। सनातन ही धर्म है और सनातन ही इस भूलोक पर सबसे पहले आया धर्म है। सनातन को ही एकमात्र धर्म माना गया और ये कहा गया कि इस भूलोक पर सबसे पहले सनातन आया। अरशद मदनी ने दावे के साथ कह दिया कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि राजा मनु ने अल्लाह की पूजा की तब शिव भी नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मनु ही आदम है और उन्होंने शिव ना होने के कारण ओम की पूजा की, ओम ही अल्लाह है। लेकिन आज अरशद मदनी को जवाब देने के लिए हम आए हैं नैमिष की पावन धरती पर। नैमिषारण्य का यही वो पावन स्थान है जहां पृथ्वी के प्रथम मानव राजा मनु अपनी पत्नी सतरूपा के साथ 23,000 वर्षों तक तप किया था। इसी स्थान पर उन्होंने द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए भगवान को प्रसन्न किया था और यहीं पर ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और यही उन्होंने वरदान दिया कि त्रेता में मैं भगवान राम के रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगा। यही वो जगह है जहां 23,000 वर्ष तक मन सतरूपा ने तपस्या की थी। एक बात और जान लीजिए कि यही वो राजा मनु सतरूपा हैं कि 23,000 वर्ष बाद जब ब्रह्म यहां प्रकट हुआ था तो उसने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं त्रेता में तुम्हारे ही घर जन्म लूंगा, तब तुम दशरथ के रूप में आओगे, तुम्हारी पत्नी सतरूपा उस समय कौशल्या बनेंगी और मैं राम के रूप में प्रकट होऊंगा तुम्हारे ही घर में। तो मदनी साहब, जिस मनु को तुमने आदम बताया वही राम के पूर्वज हैं। ये मैं प्रेम सनातन टीवी के माध्यम से नैमिषारण्य वेद व्यास गद्दी मनु सतरूपा तपस्थान से शैलेंद्र शास्त्री पूरे जोश और होश में एक बात कहना चाहता हूं कि जो अरशद मदनी जी ने कहा कि मनु और सतरूपा ये अल्लाह की पूजा करते थे, मैं उनके इस वाक्य के विपरीत अपने विचार आपके बीच रखना चाहता हूं। मनु और सतरूपा हमारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए और इसी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र है, फिर से रिपीट करता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वो मंत्र है, शाश्वत मंत्र है जिससे परम ब्रह्म निराकार परमात्मा भी साकार होकर प्रकट होने पर विवश हो जाता है और वही प्रक्रिया, वही घटना, वही एक सुखद क्षण मनु और सतरूपा के जीवन में नैमिषारण्य में की गई 23,000 वर्ष की अद्भुत तपस्या का फल लेकर के वो बात आई और स्वयं निराकार भगवान साकार होकर के प्रकट होते हैं और मनु जी के उस भाव के सामने वो ये कहते हैं कि आप इंतजार करो, अगले जन्म में तुम दशरथ और ये सतरूपा जी कौशल्या बनेंगी और तब मैं तुम्हारे यहां राम बन करके
संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए अवतरित होऊंगा। और इसी नैमिषारण्य में आज भी मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसी गलत सलत बातें प्रचार करते हैं, जिनकी किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानियों की तरीके से केवल सोशल मीडिया पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वो आए और मुझसे मिलें और मैं उनको इस यथार्थ और परम पुनीत दिव्य स्थान का दर्शन कराऊंगा और यहां की उस आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव उनको होगा और तब जाकर उन्हें भी मजबूर होकर के हमारे परम पवित्र आदि सनातन धर्म को मानना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि वो जरूर आए और नैमिषारण्य में मैं उनको उस पवित्र स्थान के दर्शन कराऊं और उनसे दो चार मिनट बातें भी करूं और उनको कुछ ज्ञान दूं, जिससे कि अपनी वो उस गलत विचारधारा को लोगों के बीच ना रखें, समाज को सही दिशा में चलने का एक मार्गदर्शन करने की क्षमता अगर हो तो करना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये तपस्थली है जहां स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप करके इसी महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके निराकार ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में प्रकट किया और उनसे पुत्र की याचना की संसार के कल्याण के लिए। तब इन तीनों देवताओं ने कहा, मैं राम के रूप में अयोध्या में जन्म लूंगा, जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे उस समय मैं आपको पुत्र रूप में श्री राम के रूप में प्राप्त होऊंगा। और ये स्वयंभू मनु शत्रुपा ने इस पवित्र भूमि पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप किया था और उसके द्वारा तपस्या करके संसार में श्री राम को प्रकट कराया। ये पवित्र भूमि है। और मैंने जो अभी कुछ समय पहले सुना मेदनी साहब के द्वारा, कहीं कुछ चर्चा सम्मेलन हो रहा था कि जो स्वयंभू मनु है ये यही आदम हुआ है, तो ये आदम हुआ ये कैसे हो सकते हैं? आदम हुआ का समय ज्यादा नहीं व्यतीत हुआ है, इनके तो समय बहुत ही कम समय हुआ। स्वयंभू मनु युगों से पहले युग में थे, जब युगों का निर्धारण भी नहीं हुआ था। सनातन धर्म सनातन है और इस पृथ्वी के आज श्रेष्ठ मानव के जनक थे महाराज मनु और शत्रुपा उनकी पत्नी। मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य में तप किया था और अपने तपोबल से 23,000 वर्ष तक निराहार और जल के सहारे तपस्या करके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करने के लिए विवश किया था और उनसे वरदान मांगा था कि आपके समान हम पुत्र चाहते हैं, आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान ने महाराज दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म लिया था, शत्रुपा ही कौशल्या थी और महाराज मनु दशरथ थे। तो जो सनातन धर्म है ये जन जन की श्रद्धा का विषय है। असद मदनी के कहने से कि मौलाना ही उनके प्रथम नागरिक थे, ये भारत का कोई नागरिक मानने वाला नहीं है। जो आप सनातन धर्म के विषय में अपने ही पाखंड भरी बातों को दुनिया के सामने दिखा रहे, ये सत्य नहीं है। सत्य जो है वो सनातन अच्छी तरह से जानता है। महात्मा मनु ना तो कोई आदम थे ना शत्रुपा कोई हवा थी। महात्मा मनु जी सनातन संस्कृति के वे पहले स्तंभ थे और जिन्होंने नैमिषारण्य की पावन भूमि के ऊपर 23,000 वर्ष तक तप करके जो निराकार ब्रह्म थे उन्हें साकार रूप में प्रकट होने के लिए विवश किया। इस चैनल के माध्यम से, प्रेम सनातन चैनल के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति में पाखंड का कोई स्थान नहीं है। ओम नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करके निराकार को साकार रूप में प्रकट होने के लिए विवश किया। अनादि काल से जो सनातन संस्कृति है ये मात्र एक छलावा या दिखावा नहीं, पर सनातन के ऊपर जो चोट करो ये हमको मंजूर नहीं। जो सनातन पर चोट करेगा वो हमारी आंखों में कांटे की तरह खटकेगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक खुली चेतावनी देता हूं कि अगर आप में सामर्थ्य है
तो खरदूषण की राजधानी खरगोन, मध्य प्रदेश एमपी का रहने वाला भागवत वक्ता पंडित रामेश्वर जोशी, मैं प्रमाण के आपको चुनौती देता हूं कि आप कभी खरगोन आइए तो मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हूं। मनु और शत्रुपा कोई आदम और हवा नहीं, ये सनातन संस्कृति के वे पहले स्तंभ है जिनके द्वारा मनु संस्कृति का जन्म हुआ। और उस मनु संस्कृति में तो बोले भगवान ने राम का अवतार लिया, और उस राम ने तो बोले मर्यादा धर्म की नींव रख करके सारे सनातन संस्कृति को मर्यादा धर्म की सीख प्रदान की। मदनी साहब, निसंदेह आपको आज ये तो मालूम ही हो गया होगा कि जिस मनु को आप बार बार आदम साबित करना चाह रहे थे, बार बार आप ये कहना चाहते थे कि मनु ने ओम की पूजा की, और बार बार ये कह रहे थे कि ओम ही अल्लाह है, जवाब देने के लिए मैं आपको नियमित सरण तक लेके आया हूं। इतना ही नहीं, अगली कड़ी में मैं आपको राजा मनु की वो पूरी वंशावली भी भेंट करूंगा, प्रस्तुत करूंगा कि कहां से मनु का परिवार चला और कहां तक आया। राजा राम यही वरदान प्राप्त हुआ था और मनु ही बने थे राजा दशरथ, और उन्हीं के घर राम ने जन्म लिया था। अगले अंक में आप देखेंगे मनु की पूरी वंशावली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साह वर्धन करते हैं।